गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत। स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर द एडवेंचर। नाउ इन द लास्ट पार्ट वी रेड दैट गंगाधर प्रोफेसर गायतोंडे ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द रिडल दैट हाउ history had taken a different turn, and he found in the library in his books the change must have occurred in the fifth volume. So he gone through the number of books and journals which were kept before him, and he find that particular paragraph, that particular three lines of account which shows how close Vishwas Rao had come to being killed. वो पर्टिकुलरली पढ़ते हुए उन जर्नल्स को उस जगह भाव सामची भाकर जो जर्नल्स थी, जो पत्रिका थी, उसमें वो फाइनली उस जगह पर पहुँचा जहाँ पर तीन लाइन में ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि किस तरीके से विश्वास राव बिल्कुल मरने से बचा। क्या थी वो थ्री लाइन्स? एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू मेली वेयर द एलाइड ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड दैम। फिर विश्वास राव ने अपने घोड़े को गाइड किया कि वो किस तरफ भागे, उस जगह भागे जहाँ पर जो विशेष ग्रुप है वो मतलब आपस में फाइट कर रहे हैं, और उसने वहाँ पर जाकर अटैक किया। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, और भगवान उसके लिए दयालु थे। अ शॉट ब्रस्ट पास्ट हिज ईयर, की मीन्स गोली जो चली थी वो बिल्कुल उसके कान के पास, ईयर के पास से होके निकल जाती है। इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल वुड हैव लेड टू हिज डेथ, मतलब अगर एक तिल भर का भी फर्क हो जाता उसमें तो उसकी डेथ हो जाती, क्योंकि अदरवाइज फिर उससे टकरा कर गोली चलती, और जब उससे टकरा जाती तो उसकी डेथ हो जाती। तो इस तरीके से वो बाल बाल अपनी मौत से बचा था, ऐसा डिस्क्रिप्शन भाव सामची भाकर के अंदर गंगाधर पढ़ता है। नाउ एट 8 o'clock लाइब्रेरियन पोलाइटली रिमाइंडेड द प्रोफेसर दैट लाइब्रेरी वॉज क्लोज्ड फॉर द डे। 8 बजे जो लाइब्रेरियन थी वो आकर उसको रिमाइंड कराती हैं कि अब लाइब्रेरी के बंद होने का टाइम हो गया। गंगाधर पंत इमर्ज्ड फ्रॉम हिज थॉट्स, गंगाधर पंत अपने विचारों से बाहर निकला। लुकिंग अराउंड ही नोटिस दैट ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिशेंट हॉल, और अपने चारों तरफ नज़र घुमा के उसने देखा तो उसने क्या पाया कि इतने बड़े हॉल के अंदर सिर्फ वो एक अकेला रीडर अब यहाँ पर बैठा था। आई बैग यू पार्डन सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हियर फॉर माई यूज टूमोरो मॉर्निंग। देन ही सेड कि सर, आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये मेरी किताबें यहीं रहने दी जाएँ कल सुबह पढ़ने के लिए। बाय द वे व्हेन डू यू ओपन, और फिर उसने पूछा कि अच्छा आप बताइए कि कब आप उसको ओपन करते हैं। एट 8 o'clock सर, द लाइब्रेरियन स्माइल, और लाइब्रेरियन ने स्माइल करते हुए कहा कि सर सुबह 8 o'clock। हियर वॉज अ यूज़र एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट, उसके दिल में एक यूज़र, एक रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर छुपा था। मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, इन्वेस्टिगेटर, मैग्निफिशेंट ह्यूज। नाउ एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल ही शोड सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट। अब जैसे ही प्रोफेसर वो टेबल छोड़ के वहाँ से हट रहा था, ही शोड, शोड मीन्स स्टफ, रख लेना, और सम नोट्स इनटू हिज पॉकेट, उसने कुछ नोट्स जो थे अपने पॉकेट में रख लिए। एब्सेंट माइंडेडली मीन्स उसे ध्यान नहीं था कम्प्लीटली। ही ऑल्सो शोड द भाकर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, और उसको ये नहीं ध्यान रहा कि नोट्स के साथ साथ उसने जो एक छोटी पत्रिका थी, एक जर्नल थी भाकर, वो भी उसने अपनी लेफ्ट पॉकेट में रख ली है। ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड हैड अ फ्रुगल मील, अब
उसको एक गेस्ट हाउस रुकने के लिए मिल जाता है, उसने हल्का फुल्का एक खाना लिया। ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रॉल टूवर्ड्स द आज़ाद मैदान। उसके बाद वो चहलकदमी करने के लिए, थोड़ा टहलने के लिए आज़ाद मैदान की तरफ निकल जाता है। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रोंग मूविंग टूवर्ड्स अ पंडाल। और वहाँ जाकर उसने देखा कि मैदान में थ्रोंग, थ्रोंग मतलब क्राउड, मॉब, जो भीड़ है वो पंडाल की तरफ जा रही थी। सो अ लेक्चर वॉज टेक प्लेस, वहाँ पर एक लेक्चर होने वाला था। फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गैटोंडे टूवर्ड्स द पंडाल, और जो उसकी आदत थी उसी आदत ने उसके ऊपर एक दबाव बनाया और वो भी किस तरफ चल दिया, उसी पंडाल की तरफ चल देता है। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, लेक्चर ऑलरेडी चल रहा था। ऑल दो पीपल कैप्ट कमिंग एंड गोइंग, हालांकि लोग बाग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन लेक्चर ऑलरेडी पहले से वहाँ पर चल रहा था। बट प्रोफेसर गैटोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, लेकिन जो प्रोफेसर गैटोंडे थे वो ऑडियंस को नहीं देख रहे थे। ही वॉज स्टेयरिंग एट द पंडाल, उसकी निगाह सीधा पंडाल पर थी। स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड, थ्रोंग मीन्स क्राउड, यस। नेक्स्ट पार्ट, एज ही मेस्मराइज्ड देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर, एज इफ मेस्मराइज्ड, जैसे कि वो मेस्मराइज्ड हो गया, फैसिनेटेड हो गया, फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित हो जाना, बिल्कुल इसी तरीके से वो सीधा पंडाल की तरफ ही देखे जा रहा था। देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर, वहाँ पर क्या थी, एक टेबल और एक चेयर, बट द लेटर अनऑक्यूपाइड, लेटर मीन्स जिसका बाद में जिसको बाद में लिखा गया है, बाद में क्या लिखा गया है, चेयर। तो जो चेयर थी वो अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मीन्स अनटेनेंटेड, इस पर कोई भी नहीं बैठा था, खाली थी वो चेयर। द प्रेजिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड मीन्स ही गॉट सरप्राइज्ड, उसको सरप्राइज हुआ कि जो प्रेसिडेंट जहाँ पर अध्यक्ष करने वाला, मीटिंग की कोई अध्यक्ष होना चाहिए, वो चेयर खाली है। द साइट स्टीयर्ड हिम टू द डेप्थ, मतलब इस सीन ने उसको पूरा अंदर तक हिला दिया। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू मैग्नेट ही स्विफ्टली मूव्ड टूवर्ड्स द चेयर, जैसे मैग्नेट जो है लोहे के किसी भी पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसी तरीके से गंगाधर भी बिल्कुल अट्रैक्ट हो गया उस चेयर की तरफ और तेजी से, स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन्स फ्लीटली, जल्दी से वो सीधा उस चेयर की तरफ बढ़ता है। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, लेकिन जो स्पीकर जो अपनी स्पीच दे रहा था वो बीच में ही अपने सेंटेंस में रुक जाता है। टू शॉक्ड टू मूव कंटिन्यू, वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि वो आगे अपनी स्पीच कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, लेकिन तभी ऑडियंस से आवाज़ आने लगी। मार्क द नाउ, वेकेट द चेयर, क्या आवाज़ें आने लगी भीड़ में से कि चेयर खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयर पर्सन एंड दे सेड कि इस लेक्चर सीरीज के अंदर कोई चेयर पर्सन नहीं होगा, मतलब कोई प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंशियल सीट नहीं होगी। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, आप यहाँ से चले जाइए मिस्टर, इस प्लेटफॉर्म से। द चेयर इज सिम्बॉलिक, डोंट यू नो, ये चेयर सिर्फ एक सिंबल है कि हाँ एक प्रेसिडेंट होना चाहिए किसी मीटिंग में, आप जानते नहीं हैं। व्हाट नॉनसेंस, हु एवर हियर्ड ऑफ अ पब्लिक लेक्चर विदाउट अ प्रेजाइडिंग डिग्निटरी। देन गंगाधर सेड कि ये क्या बेवकूफाना हरकत है, हु एवर हियर्ड, कि किसने सुना है आज तक कि कोई पब्लिक लेक्चर हो रहा है और उसके अंदर कोई भी गणमान्य व्यक्ति, कोई भी डिग्निटरी मीन्स मैन ऑफ ऑनर है ना, कोई भी सम्मान्य लोग वहाँ पर उसको प्रेजाइड नहीं कर रहे। प्रोफेसर गैटोंडे वेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यू, अब प्रोफेसर गैटोंडे सीधे माइक की तरफ बढ़े और वहाँ से उन्होंने अपने विचार देने शुरू किए। लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, लेट मी टेल यू। देन ही सेड कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अन
अनचेयर्ड लेक्चर की, मतलब कोई भी ऐसा लेक्चर जिसके अंदर कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं आपने बनाया, ये बिल्कुल ऐसे ही समझो जैसे हम शेक्सपियर का जो प्ले है वो पढ़ रहे हैं, हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, लेकिन उसके अंदर डेनमार्क का प्रिंस ही नहीं है। लेट मी टेल यू, चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स मार्क द चैप्टर हियर, वी विल स्टार्ट इट्स नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस।